हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के भी बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि घर पे मम्मी की बहनें आई हैं। एक्चुअल में उनकी बहन की बेटी के घर में फंक्शन है जो कि हमारे साथ वाले गांव तेलंगी में है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ देवता जी आने वाले, मतलब देवी जी आने वाले वहाँ पर, तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। तो मम्मी मेरे वही पहन रहे, अभी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। बाकी अपने आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते क्या रहता है, और साथ ही साथ आप लोगों से शेयर करना है जो कि शॉपिंग वगैरह की थी वो सब कुछ। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आगे भी चला है, आगे भी चलो। सही रुक्षित, हले सही रुक्षित, बिंदु 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 सही बिंदु बिंदु आई चल चल बिंदु वाले ओके बाय बाय। सासंग मंगवानी तो हले लोग सु गिफ्ट उठेला बंद बंद देगे गिफ्ट फी चले गिफ्ट है हम यो गिफ्ट है हम ठीक है ठीक है ओके बाय। हले लास्ट विश हो सुंदरी बाय। साफ सफाई तो हो गई पर टाइम जो है अभी शाम के 3 बजे का हो रहा है। अब लकड़ियाँ आग जलाते हैं तो इसके अंदर लकड़ियाँ हैं और अभी टाइम हो चला है शाम के 3 बजे का। हवा चली बाहर बहुत तेज और धूप जो है ना वो जाने लगी, हमारी घर से तो चली गई, आगे को चली गई। और सुबह से उसके बाद ब्लॉग शूट करने का टाइम मिला क्योंकि लेट ही हो गई थी मैं साफ़ सफाई के लिए भी, तो ऐसा है। बाकी बस अभी जो है वो शाम के 3 बज रहे हैं और सुबह तो क्या, मतलब आज काम लेट ही शुरू किया तो काफ़ी लेट हो गया। ऊपर से दिन में एक आप ही भी आए थे तो उनके साथ गप्पे मारते मारते फिर लेट हो गई और बस ऐसा ऐसा है। बाकी मैं जो है ना पीओ से एक चीज़ लाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कोटी लाई हूँ बट वो कोटी नहीं है, वो अलग टाइप का ही है, तो वो दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि शॉपिंग में था। तो मैं अब भी मतलब एक बार जाती हूँ, मैं कंघी वगैरह करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की हमने। तो ये हमारी कुछ कुछ शॉपिंग मतलब जो मेरे पास है वो दिखा रही हूँ, बाकी तो मम्मी पापा के पास है और इतने दिन हो गए तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी, तो जो मेरे पास है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो मतलब जिस चीज़ को दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है कोटी, जो कि बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों वो अभी अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले है ये कोटी, ये कोटी प्लस जैकेट समझ लो आप, क्योंकि ये है आपको बाहर से पूरा कोटी है। अब आप जैसे देखते हो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और पूरा कोटी वाली फीलिंग है, बट अंदर देखोगे तो इसमें जैकेट वाला फर लगा हुआ है, जैसे जैकेट में लगा होता है ना वॉर्म वाला। हम जैकेट ऑब्वियसली बात है सब जैकेट पहनते हैं, सबको पता है कि इसके अंदर ऐसे फर होता है, तो सेम चीज़ जो है कोटी में लगी हुई है और बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और ये यूनिक से कॉन्सेप्ट आपको पता है कि शॉप में आते वो ITPP रोड में सरदार अंकल की शॉप में है, और ITPP रोड में भी दो सरदार अंकल है, वो है तो शायद भाई ही हैं इतना मुझे प्रॉपर पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं सुना है मैंने किसी से, तो मैं आपको साइड में फोटो मेंशन कर दूंगी, आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा जो भी कि नॉर्थ से, क्योंकि बहुत सारे जो है मेरे सब्सक्राइबर्स के नॉर्थ से भी उनको पता है और काफ़ी लोगों ने मेरे लास्ट कोटी के बाद वहाँ से बहुत सारे मतलब कोटी परचेज़ की। तो अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वहाँ जाए और वहाँ से ले, क्योंकि बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं पर्सनली जैकेट नहीं पहनती हूँ सर्दियों में, मैं या तो फिर ब्लेज़र वेयर करती हूँ या फिर कोटियाँ, तो कोटियाँ थोड़ा सा हो जाता है कि ठंड लग जाती है, बट ये तो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपका एक चीज़ हो जाएगा कि फैशन का फैशन हो जाएगा और सर्दी भी नहीं लगेगी बेसिकली। तो आप कोटी के साथ आराम से जा सकते हो क्योंकि अंदर से पूरा फर लगा हुआ है, इनफैक्ट बाजुओं में भी लगा हुआ है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर में बाजुओं में भी है, तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, आप जाके परचेज कर सकते हो। और इसमें और कलर भी है, मुझे ग्रे अच्छा लगा तो मैंने ये परचेज किया है, बाकी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो वेयर करके कुछ ऐसा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो ना मन कर रहा है कि मैं कब पीऊँ नेक्स्ट टाइम जाऊँ और मैं इसको पहन के जाऊँ, क्योंकि यार होती है ना नई चीज़ को पहनने की एक्साइटमेंट होती है, पर वो अलग चीज़ है, बट अपना कंफर्ट लेवल भी होना चाहिए, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि यार बहुत वार्म भी है अंदर से, जैसे कि पता है फर है तो बहुत गर्म है, नॉर्मल कोटियों जैसा कोटी नहीं है ये, बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसा कोटी आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर आप थोड़े से पतले हो तो फिर आपके तो बेस्ट है, बटन लग जाएंगे आराम से, वैसे मैं आपको डाल के दिखाई देती हूँ बटन कि कैसा लग रहा है। बाकी यार बहुत बटन वगैरह डाल दोगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा है। बाकी अगर आप कॉलर वगैरह फोल्ड करना चाहो भी कर ही सकते हो, वैसे तो ये खड़ा रहने वाला, अगर कोई होता है ना कि टक करना चाहे यहाँ पे पिन से तो बहुत सुंदर है यार सच में, बहुत कंफर्टेबल। तो कोटी चेंज करते हैं ना बाइक, और सच बताऊँ ना ठंड लग रही है क्योंकि ना ये वाली कोटी है ना बिल्कुल पतली कोटी है, और जो ये पहनी थी ना बहुत गर्म थी, मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की मान बढ़ाई कर रही हूँ या फिर उनके बारे में बता रही हूँ, पर रियलिटी है
कि मतलब आपको पता है जो चीज़ बताऊंगी सच्ची बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ आप लोग के लिए अच्छी ना हो वो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग का बुरा मैं नहीं चाहती हूँ, बट ये इस चीज़ में आपको फ़ायदा है अगर आप लेते हो तो आपका दो काम हो जाएगा, कोटी प्लस जैकेट का काम हो जाएगा, तो बेस्ट है ये कोटी आप परचेज करें। बाकी नेक्स्ट चीज़ है वो है ये रिंग जो कि मैंने वर्मा ज्वेलर से परचेज किया है और बहुत ही सुंदर है, और ये जरकन क्या बोलते हैं जरकन जरिए क्या बोलते हैं उसका काम है, बाकी ये कोई डायमंड की रिंग नहीं है, आप ऐसा ना सोचे कि ये डायमंड की रिंग है या गोल्ड की भी नहीं है, डायमंड की भी नहीं है, ये चांदी की रिंग है। तो ये चांदी है और इसको थोड़ा खोला है मैंने क्योंकि मेरे साइज़ का नहीं था और मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आया था, जैसे हम जब मैं वर्मा ज्वेलर्स के वहाँ गई तो विज़िट कर रहे थे तो ऐसे ही देखते देखते इस रिंग पे नज़र पड़ी और ये इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने बाय कर लिया। बाकी और भी थे वहाँ पे डायमंड वाले पर इतने ही होते ना अपने, मेरे बजट में नहीं थी तो मैंने परचेज़ नहीं की, जो मेरे बजट में था वही लिया मैंने, तो मैंने वर्मा ज्वेलर से ये रिंग परचेज़ की, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा और लुक अच्छा है इसका यहाँ फ्रेंड से, तो ऐसा है। बाकी एक थी ये रिंग, उसके बाद जो है मैंने एक और एक शनील का सूट लिया जिसको हम वेलवेट बोलते हैं, तो वो सूट लिया है, बट सूट अभी मेरे पास नहीं है, बट उसका दुपट्टा मेरे पास है, तो सूट अभी मैंने सिलने के लिए लिया है। कलर मैं आपको बता देती हूँ, डार्क पिंक कलर है और दुपट्टा कंट्रास्ट में है और वो है ये ग्रे कलर का, ग्रे कलर में दुपट्टा, तो ये है दुपट्टा उसका ग्रे कलर में और इसमें पिंक कलर का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे पिंक पिंक, तो डार्क पिंक कलर का सूट है और डार्क पिंक कलर का ही सलवार है और दुपट्टा अलग है, तो ये मैंने लिया है वेलवेट का सूट जिसको वेलवेट बोलते हैं हम, वैसे तो शनील क्या करते हैं शनील वो है ये, तो अब मतलब होता नहीं, अब मन आ जाता है किसी सूट पर, तो इस सूट पर मना है। बाकी एक और सूट लिया वो घर डालने के लिए, वो मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले व्लॉग में, जो कि मैंने सिलने दे दिया और उस टाइम पे मैंने ये नहीं खरीदा था, मतलब कि जब मैं सिलने दे रही थी तब मैंने नहीं खरीदा था, बाद में खरीदा फिर सिलने दिया तो मैं दिखा नहीं पाई उस चक्कर में। बाकी ये है और अंदर से ऐसा प्लेन है और बाहर से ये है, तो अच्छा लगा मुझे, कलर अच्छा था इसका, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा हो गया क्योंकि जो मैंने ब्लू वाला लिया था वो पूरा ब्लू था, बट इसमें थोड़ा कलर जो कलर है वो थोड़ा अलग है, तो एक हो गया ये। तो मैंने तो ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदी, मैंने सूट ही खरीदे दो क्योंकि शायद हम कहीं जा सकते हैं आने वाले टाइम में, वो आने वाले टाइम बताऊँगी, पहले भविष्यवाणी नहीं करना चाहती मैं, तो हम कहीं जा सकते हैं वहाँ से परचेज करेंगे, तो फिर एक जगह से मतलब फिलहाल हमने यही लिया, एक कोटी एक सूट, मतलब दो सूट, और मेरे को फुटवेयर नहीं मिला, मतलब जो बेलीज है वो नहीं मिली क्योंकि मेरे साइज़ की बेलीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा या फिर कहीं जाके लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। बाकी मम्मी ने भी एक सूट परचेज़ किया, वो मम्मी के पास है अपने कमरे में, और एक सिलने दिया मम्मी ने, तो ऐसा है। बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों की शॉपिंग, अपना जब चीज़ स्वेटर से स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं अभी बच्चों का भी स्वेटर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो ये है बच्चों का स्वेटर जो कि अगेन सरदार अंकल की शॉप से ही लिया है, हिमालयन गारमेंट्स ITBB रोड, तो मैंने भी अपना स्वेटर वहीं से लिया और बच्चों का स्वेटर भी वहीं से लिया है, तो बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी प्लस सिंपल है और दिखने में बहुत अच्छा है, और इसके अलावा अंदर से अगेन गर्म है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा होते हैं ना बच्चों के लाइक जैसे कंफर्टेबल कपड़े, अच्छे कपड़े, तो वो है। और विहान विवान दोनों का सेम है, ये विहान का भी सेम ही है, तो ये है। और इसमें जो है ना फर जैसा लगा हुआ अंदर से, और बाजुओं में भी सेम ही है, बाजुओं में भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा है। मतलब कि आपका क्या ना, मतलब मेरे को दोनों स्वेटर्स, मेरी कोटी हो चाहे स्वेटर, मेरे को एक चीज़ कॉमन लगी कि बाहर से फैशन का फैशन हो रहा है और अंदर से गर्म का गर्म भी है, मतलब कि आपको बाहर से कुछ वेयर करना नहीं पड़ेगा, इसके बाहर से भी आपको कुछ वेयर करना नहीं पड़ेगा, तो बच्चों के स्वेटर भी बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़ कि हिमालयन गारमेंट्स में लेडीज़ के, जेंट्स के और बच्चों के तीनों के कपड़े मिलते हैं। और एक और चीज़ कि वहाँ पे प्राइस बहुत अच्छा है, इस स्वेटर का प्राइस भी बहुत अच्छा था और मेरे वाले का भी, तो प्राइस अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ मिले, मतलब हम ऐसा है ना कि औरतों का ऐसा होता है चीज़ भी अच्छी चाहिए और प्राइस भी अच्छा चाहिए, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको चीज़ भी अच्छी और प्राइस भी अच्छा। तो पहला है ये स्वेटर, उसके बाद जो है वो हमने वहाँ से लिए स्वेटर, और वहाँ से लोअर भी लिए थे, बट वो पापा के थे, वो पापा के कमरे में, तो मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं दिखा नहीं सकती। बाकी उसके बाद बारी आती है पैंट की, पैंट तो क्या लोअर है, और ये मैंने ITBP रोड में मतलब उनका लोकेशन कैसे बताऊँ, ITBP रोड में ही है, अंदर को जाके शॉप है, अब भैया की शॉप का नाम मुझे नहीं पता है, वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं बच्चों के, तो वहाँ से लिया है ये फर वाला है अंदर से, और ये वैसे है तो लोअर है बट पैंट का काम करता है, तो इसमें क्योंकि वो है
कार्गो वाला पैंट होता है ना साइड से पॉकेट वाला, तो ये है विहान विवान का। पहले मैंने डार्क कलर में लिया था, फिर उसको वापस भेजा क्योंकि विवान और विहान का साइज, मतलब इन दोनों के साइज में इशू आ गया था, बट उस साइज में फिर बड़ा नहीं मिला, तो फिर हमें ये वाला लाइट ब्राउन कलर का लाना पड़ा। बट अच्छा है ये भी कलर, और इसके अंदर जो है वो फर लगा हुआ है। तो ये है विवान का और ये है विहान का। विहान और विवान का सेम ही रहता है, जो भी कपड़े होते हैं वो पैंट भी सेम है और ये भी, और स्वेटर भी। और आजकल सरदार अंकल की शॉप में जो हिमालयन गारमेंट्स है वहाँ पे इस टाइप के थैले मिल रहे हैं, और मुझे ये थैले बहुत पसंद है क्योंकि जब भी मम्मी चंडीगढ़ से आते हैं ना तो ये लाते हैं, थैले इकट्ठे करके लाते हैं चंडीगढ़ से, क्योंकि अच्छे लगते हैं। मेरे को कहीं ले जाना हो ना कहीं पे तो अच्छी फीलिंग देते हैं थैला, क्योंकि होता है ना थैले से भी कहीं जजमेंट लग जाता है लोगों को कि अच्छा अच्छी चीज़ चक्के ला रहे, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो ये है विवान का, विहान का सेम है, पैंट भी सेम है दोनों के। फिर उसके बाद हमने शर्ट नहीं खरीदे क्योंकि शर्ट और टी शर्ट बहुत पड़े हुए, और हाईनेक लिए हमने, हाईनेक हमने परचेज किया है ये सब्जी, मतलब जहाँ सब्जियों की शॉप है ना, अब जो रिकॉम्प्यू से यहाँ के होंगे तो उनको पता होगा, जहाँ बहुत सारी सब्जियों की शॉप है उसके ऊपर वाले, मतलब ऊपर है उसके ऊपर एक और शॉप है, वहाँ से लिया हमने ये हाईनेक। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें भूर नहीं आएगा, वो वाला कपड़ा है जिसमें भूर नहीं आता वो वाला कपड़ा है। तो एक एक हाईनेक लिया है, हाईनेक में जो है ये विवान का, विहान का मैंने पहना दिया विहान को, स्कूल ड्रेस के साथ पहना था क्योंकि सर्दी आ चुकी है। और इसके अलावा एक एक वो लिए, एक एक क्या सॉरी एक तो आवाज़ करता है थैला पर, एक एक सॉक्स लिए थे हमने क्योंकि अभी मैंने पीछे ही व्लॉग में दिखाया था, दो तीन सॉक्स में लेके आई थी तो वो भी थे और मम्मी के पास भी है, तो एक एक ऐसे ही ले आए हम टाइम पास करने के लिए। और इतना आवाज़ करता है और भी इसमें, और बस एक आध एक अमिताभ बच्चन विकसित के लाए तो इसमें अमिताभ बच्चन मैंने तो बोलूँ, एक एक ये है विहान और विवान के लिए, और बस कुछ नहीं है ज़्यादा। और एक ये शूज़ है विहान के, और विवान को नहीं मिला, विवान के लिए हॉपस्कॉच से मंगवाऊंगी क्योंकि पूरे पियो बाज़ार में मतलब ऐसे शूज़ थे ही नहीं जो विवान के लायक हो, वो रंग बिरंगे कलर के थे। और मेरे को ज़्यादातर, अगर आपको पता हो तो मैं ज़्यादातर वाइट कलर के ही शूज़ पहनाती हूँ क्योंकि वाइट कलर के शूज़ ऐसे होते ना हर कपड़े के साथ जाते हैं और बहुत ही अलग सा लुक देते हैं इसलिए। तो ये है विहान का, जो विहान के साइज़ का था, विवान के साइज़ का नहीं था तो नहीं मिल पाया। तो बस ये थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, और बाकी हम कुछ दिनों बाद, मतलब विहान के एग्ज़ाम चले आजकल, और विहान के एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होते हैं तो हम कहीं जाने का सोच रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाता है तो फिर हम वहाँ से शॉपिंग करेंगे बाकी आगे की, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है और एक साथ हम क्या ही चीज़ें खरीदेंगे, तो ऐसा है। और उस दिन हमें इतनी रात भी हो गई थी कि हमें मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी मिली, तो मेरी जैसे बैलीज है वो भी मुझे नहीं मिले, विवान के जूते भी नहीं मिले, और बस ऐसा ऐसा है। तो ये थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, अब चलते हैं शॉप पे क्योंकि विहान के आने का टाइम हो चुका है, तो विहान को लेने के लिए चलते हैं ऊपर, साथ में थोड़ी देर शॉप पे भी बैठते हैं। क्या 5 रुपया आएगा और 10 रुपया भी आएगा, 100 रुपया भी आएगा, क्या करके कमाएंगे, कमा के अभी तो आप पेड़ उगाने वाले थे पैसे का। हाँ तो अभी कैसे जाऊँ नीचे, पानी भर रहे जिस दिन खोदेंगे ना उस दिन 5 रुपये डालना पेड़ उगेगा। भाई साहब बोलते हैं कि पैसे डालूंगा और पेड़ उगेगा। बाकी अभी जो है वो शाम हो चुकी है, ऊपर जो है धूप टॉप टॉप पे पहुंच चुका है, और बस अब जो है मैं विहान की वर्दी वगैरह धोने के लिए डालने आई थी। मम्मी टिटी भी आ गए हैं, वो पति दिखते टिटी क्या करे जाने क्या। तो बस यही है, बाकी अपने आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि शॉपिंग वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बहुत कुछ बोला है, चबड़ बोल दिया है। तो ये चीज़ है, बाकी अपने आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।